हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये है बोट रॉकर्स 205 प्रो। पहली बार 65 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड के साथ आया है ये नेकबैंड एंड इसका प्राइस है सिर्फ 899 रुपीस। तो कैसा है इसका क्वालिटी, मैंने लास्ट 4-5 दिन से इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कॉलिंग क्वालिटी हो, गेम प्ले हो, सारा कुछ मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप इस ईयरफोन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभिधान, आप देख रहे हैं इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को और बात करेंगे इस बोट रॉकर्स 205 प्रो के बारे में, बट उससे पहले क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह का बॉक्स है बोट रॉकर्स 205 प्रो का एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। ये है मेरे पास रेड कलर का और यहाँ पर अगर आप पीछे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर भी आपको मेंशन है, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो बॉक्स है वो आपको काफ़ी छोटा साइज का मिलता है। जितना भी बोट का ईयरफोन मैंने अभी तक अनबॉक्स किया है उसमें से ये सबसे छोटा साइज का मुझे लगा है, नेक बैंड के हिसाब से कह रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास मेन ईयरफोन, इसको अभी रखते हैं साइड में, देख लेते हैं बाकी और क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक यूएसबी टाइप सी का केबल मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 2 पेयर ईयर टिप्स मिलता है जो आप आपके कान के हिसाब से सेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा यूज़र मैनुअल, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो, सारा चीज़ें आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस तरह का एक बोट का स्टिकर मिलता है जो कि आपको बोट के सभी ईयरफोन में आजकल मिलने को लग रहा है और साथ में ये भी आपको सभी बोट के ईयरफोन में मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोट का सारा जो प्रोडक्ट वगैरह है उसका आपको कैटलॉग जैसा मिलता है और इसके साथ आपको मिलता है बोट का 1 साल का यहाँ पर वारंटी कार्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के लुक्स के साथ ही आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो पीछे का जो नेक बैंड का क्वालिटी है ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट का मिल जाता है। ये सिलिकॉन रबर का बना हुआ है, अगर आप इसको पॉकेट में भर के कहीं पर भी कैरी करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके मुट्ठी के अंदर बहुत ईजिली ये आ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो क्वालिटी रखा गया वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा है एंड साथ में यहाँ पर अगर आप हाउसिंग को देखेंगे तो हाउसिंग यहाँ पर आपको प्लास्टिक का मिल जाता है और एक साइड में आपको सिर्फ बोट का लोगो मिलता है जो कलर है ना ईयरफोन का, जैसा कि ये रेड कलर है तो बोट का जो लोगो है वो रेड कलर का मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप ब्लू वाला परचेस करते हैं तो यहां पे ब्लू कलर का ये लिखा हुआ रहेगा। और दूसरा जो साइड है यहां पर आपको 4 बटन मिलता है। सबसे पहले मिलता है मल्टीफंक्शन बटन, इससे आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल को रिसीव या फिर एंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन मिलता है, उसके बाद आपको क्लैरिटी इंडिकेटर मिलता है जो कि हर 5 सेकंड में ब्लू कलर में ब्लिंक करता है और लास्ट में आपको जो बटन मिलता है इससे आप बीस्ट मोड को यानी कि गेमिंग मोड को आप ऑन कर सकते हैं सिंगल प्रेस करके। और यहां पर आपको यूएसबी टाइप सी का भी पोर्ट मिलता है तो ये भी एक काफी अच्छा बात है प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे। और यहां पर सामने के साइड में थोड़ा सा हार्ड रबर का यूज किया गया बट कोई भी वायर में आपको अच्छा सपोर्ट यहां पर नहीं देखने को मिलता है और इसका जो वायर है वो मुझे प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लगा, काफी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर मिल जाता है, वायर में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पे इसका जो एयर प्लग है वो आपको अलग डिजाइन के साथ मिलता है बोट का, नॉर्मली जितना भी ईयरफोन होता है उसके हिसाब से एंड भाई ये मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक ईयरफोन को यूज करते हैं ना तो आपके कान में थोड़ा सा भी पेन नहीं होता और आपको थोड़ा सा भी इरिटेशन फील नहीं होता है, बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल है। और एयर प्लग का जो पीछे का हिस्सा है वो आपको यहाँ पर मेटल का मिल जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में इस ईयरफोन के बारे में, तो वहां पर एक यूट्यूबर जिसका 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे कि यहाँ पे एयरप्लग जो है वो पूरा प्लास्टिक का मिलता है। भाई मतलब पता नहीं कैसे लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉइन है, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ, आवाज से आपको पता चल जाएगा। बट सामने का जो हिस्सा वो आपको प्लास्टिक का मिलता है उसका भी मैं आवाज आपको दिखाता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ सकते हैं मेटल का जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है अगर आप प्लास्टिक के साथ कंपेयर करेंगे। बुराई नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए। और यहाँ पे पीछे के साइड में आपको बोट का लोगो मिल जाता है और साथ में यहाँ पे जो मैग्नेट का क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप छोड़ देंगे ना तो इसको कैच कर लेता है, आप देख सकते हैं बीच में एक उंगली का डिफरेंस है बट फिर भी ये कैच कर लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ किया गया और बोट का जितना भी ईयरफोन आता है उसका एयर टिप का क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगता है बट इस बार मैं बोट का तारीफ करना चाहूँगा। एयर टिप आपको यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट जाता है अगर आप बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो यहां पर आपको काफी कंफर्टेबल लगता है। सो ओवरऑल इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल है बट यहां पर मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा कि इसका जो मल्टीफंक्शन बटन है ये शायद सिर्फ मेरे ही यूनिट में प्रॉब्लम आया है कि यहां पर ये थोड़ा सा लूज है। अगर आप देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूं तो इस तरह का कुछ आवाज भी आता है और इसके कारण जब भी ये इस तरह से रखा हुआ रहता है और मैं थोड़ा सा भी हिलता हूं ना तो इस तरह का आवाज भी हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी चेक में मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला तो मैंने इसको रिप्लेस करने के बारे में सोचा है, तो देखते हैं उसके बाद कैसा आता है।
बाकी यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और अगर बात करें उसके म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में, तो इसमें आपको 200 एमएच का एक बैटरी दिया गया और कंपनी का कहना है कि आप इसको 30 घंटा तक यूज कर सकते हैं। मैं इसको लास्ट 4-5 दिन से यूज कर रहा हूँ, अभी भी इसमें 30% चार्ज बचा हुआ है। मैंने करीब 20 घंटे के आसपास इसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि काफी तगड़ा यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप मिलता है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आप इसको 12 घंटा तक यूज कर सकते हैं। और जब ये आया था तो कंप्लीटली ये डिस्चार्ज था, 1% भी चार्ज नहीं बचा हुआ था, ये ऑन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने चार्ज किया तो 0 to 100% पहुंचने में मुझे करीब 1 घंटे का समय लगा है 10 वाट के चार्जर से। तो प्राइस के हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, एंड इसको टेस्ट करने के लिए मैं आउटडोर में गया था, तो चलिए टेस्ट को देख लेते हैं। तो गाइस अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं, ये रिकॉर्डर है बोट रॉकर्स 205 प्रो के इस माइक से, एंड कॉल जो है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चले कि किस तरह का आपको यहाँ पर एक्जैक्टली कॉल क्वालिटी मिलता है। और मैं अभी रोड साइड में खड़ा हूं, तो अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो किस तरह का आपको यहाँ पर कॉल क्वालिटी मिलेगा वो आप और भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और अभी कोई बाइक वगैरह तो पास से नहीं गुजर के जा रहा है, तो मैं थोड़ा बाइक चला के आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह का आपको यहाँ पे कॉल क्वालिटी मिलता है अगर आप बाइक चला चलाते फोन में बात करना चाहते हैं उस कंडीशन में। बाइक चला चलाते कॉल क्वालिटी बहुत ही गंदा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं सुनाया। हाँ, माइक का क्वालिटी अच्छा होने के कारण आपको यहाँ पे इंडोर या फिर आउटडोर कॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नॉइस कैंसिलेशन का एक्सपेक्टेशन आप इसमें ज्यादा मत रखिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो आपको 1000 रुपीज के नीचे मिलता है, उसके हिसाब से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली कॉल क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के मामले में, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीटिंग देखने को मिलता है बोट की तरफ से। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोट का जितना भी इस ईयरफोन का ऐड देखेंगे तो यहाँ पर सब जगह पे मेंशन है कि इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर अगर आप इसके बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी मेंशन है कि इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलता है, बट अगर आप बॉक्स के अंदर जो यूजर मैनुअल मिलता है अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है कि इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर एक मेंशन किया गया, बॉक्स के अंदर एक चीज मेंशन किया गया, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म तो नहीं कह सकता कि इसमें कौन सा ब्लूटूथ वर्जन का यूज़ किया गया, बट जितना मैंने टेस्ट किया है या फिर जितना और भी ईयरफोन के साथ मैंने इसको कंपेयर करके देखा हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ या फिर ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के और ईयरफोन के साथ, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, 5.2 नहीं है। तो एक्चुअली ये चीज़ बोट ही कंफर्म कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कस्टमर को वीवो को बना के प्रोडक्ट बेच के कोई फायदा है, क्योंकि आप कंपनी का जो ट्रस्ट है उसको कहीं ना कहीं लूज कर देता है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लगा है। बाय द वे मुझे कनेक्टिविटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, आप काफ़ी इजीली आप 10 मीटर डिस्टेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बीच में 2-3-4 दीवारें भी हैं, उसके बाद भी अगर आप जाके यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने उसके हिसाब से ऑलरेडी टेस्ट करके देखा हुआ है, तो कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में यहाँ पर आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप एक साथ में 2 डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप एक में म्यूजिक सुन रहे और उसी वक्त अगर दूसरे में कोई कॉल आता है तो उस कॉल को भी आप रिसीव कर सकते हैं, आपको स्विच वगैरह करने का जरूरत नहीं होगा। इनकमिंग कॉल जब भी आता है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सुनाई देगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए जो कि काफी अच्छा बात है। और इसमें आपको IPX5 का रेटिंग मिल जाता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप जिम पर्पस में या फिर रनिंग पर्पस में इसको यूज करना चाहते हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल इसको यूज कर सकते हैं बिना कोई टेंशन का। और दोस्तों ये ईयरफोन आपको 3 अलग अलग कलर ऑप्शन मिलता है, मेरे पास ये जो है ये है रेड कलर का, इसके अलावा आपको ऑरेंज कलर का एंड ब्लू कलर का और ऑप्शन मिलता है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कलर के साथ जा सकते हैं, ये कलर मुझे काफी अच्छा यहाँ पर लगा है। जो OnePlus Bullet Z OLS बेस एडिशन है ना, उसी के रेड कलर के जैसा यहाँ पर लगता है, तो आप डेफिनेटली इस कलर के साथ जा सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आके बेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं कि किस प्राइस में अभी ये अवेलेबल है। और साथ में अगर आप दिए गए लिंक से परचेस करते हैं तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाएगा, आपको सेम पैसा ही पे करना पड़ता है, तो उस पैसे से हम और भी प्रोडक्ट परचेस करके आपके लिए रिव्यू लेके आ सकते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, बट बात करने से पहले चलिए इसका लाउडनेस को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ उसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 10mm के डायनामिक ड्राइवर के साथ ही आता है, एंड भाई साउंड क्वालिटी जो है वो बोट का जितना भी नॉर्मली ईयरफोन आता है उसी के तरह ही आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो बेस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पंची, काफ़ी ज़्यादा थम्पिंग टाइप का बेस यहाँ पर मिलता है, एंड जो वोकल्स है वो भी मुझे काफ़ी यहाँ पर क्लियर लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड साथ में जो ट्रबल्स है वो मुझे थोड़ा सा कमी लगा है, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे प्राइस के हिसाब से 999 या फिर 899 उसके हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा मैं इसको कहूँगा। एंड अगर आप बेस टाइप का गाना सुनना पसंद करते हैं तो भाई ये आपको बहुत ज़बरदस्त
मस्त लगने वाला है। हाँ, लाउडनेस जो है वो उनसे थोड़ा सा कम लगा अगर आप कंपेयर करेंगे और भी बोट के ईयरफोन के साथ, बट मैंने इसको आउटडोर में भी यूज करके देखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जब भी 80-90% साउंड में सुन रहा था तो बाहर का साउंड मुझे बहुत ज्यादा कम यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि इसका जो ईयर टिप का क्वालिटी वो आपको काफी यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, एंड साथ में जो फिटिंग है ना कान में वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत जबरदस्त मैं इसको कहूंगा, एंड 100% मेरे तरफ से एक बिग थम्स अप है। तो चलिए बात करते हैं इसके गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी क्रिएट हो चुका है इस ईयरफोन का, क्योंकि 65 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड यहां पर मिलता है और वो भी 1000 रुपीज के अंदर। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं, और यहां पर मैं पहली बार कितना मिलीसेकंड का लेटेंसी मिल रहा है वो भी मैं आपको यहां पर टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई जरूर से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस इस बार जो बोट ने यहाँ पर काम किया है ना बीस्ट मोड पे, वो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर काम किया गया, एंड जो लैटेंसी वो यहाँ पर आपको ना के बराबर देखने को मिल रहा है। हमने इससे पहले बोट का जितना भी ईयरफोन का रिव्यू किया है, वो चाहे नेक बैंड हो या फिर TWS हो, वहां पर हर बार मैंने मना किया है कि आप इसको परचेस मत कीजिएगा गेमिंग के मामले में, बट इस बार आपको जो क्वालिटी यहाँ पर दिया गया बोट की तरफ से बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर दिया गया, और आप इसको 100% परचेस कर सकते हैं अगर आप गेमिंग के लिए ईयरफोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। जो लैटेंसी वो एग्जैक्टली आपको ना के बराबर देखने को मिल रहा है। हाँ, आप जितना पैसा भी करेंगे वो चाहे 20,000 क्यों ना हो तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा लेटेंसी तो मिल जाएगा, तो वो चीज यहां पर भी आपको मिलता है, बट लेटेंसी जो है वो आपको काफी कम मिलीसेकंड का मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कैजुअल गेमर है तो आपको 100% प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप एक प्रो गेमर है तो भी आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों इस ईयरफोन का नॉर्मल प्राइस है 999 रुपीज, बट अगर आप UPI के माध्यम से पे करते हैं तो आपको 100 रुपए के यहां पर कैशबैक मिल रहा है, तो आपको यहां पर 899 रुपीज का मिल जाएगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बैंक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनली मेरे ओपिनियन के बारे में आपसे बात करूं कि बोट रॉकास्ट 205 प्रो आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो हाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया इसका जो मल्टीफंक्शन बटन है इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके, और साथ में यहाँ पर जो बोट के तरफ से कंफ्यूज किया गया कि इसमें ब्लूटूथ वर्सन 5.2 है या फिर 5.0 है इसके रिगार्डिंग, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस ईयरफोन का जो क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्सन 5.0 के हिसाब से भी अगर इसको मैं कंसिडर करूँ तो उसके हिसाब से भी कनेक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त है, एंड साथ में इसका जो कंफर्ट है भाई रिसेंट टाइम में बोट का जितना भी ईयरफोन मैंने यूज किया है उसके हिसाब से ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है कंफर्ट के मामले में। और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है अगर आप 1000 रुपीज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है, और 30 आवर्स का यहाँ पर म्यूजिक प्लेबैक टाइम भी यहाँ पर मिलता है, 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 12 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है पीछे का जो नेक बैंड का क्वालिटी है वो अभी आपको बहुत सॉफ्ट मिल जाता है, तो पॉकेट में भर के कैरी वगैरह करना है तो उस मामले में काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। सो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं 900 या फिर 1000 क्या, अगर इसका प्राइस 1200 या फिर 1300 भी रखा जाता ना तो उसके हिसाब से मैं इस ईयरफोन को सजेस्ट करता हूं। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है भाई इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, बीस्ट मोड मतलब बीस्ट मोड ही यहाँ पर रखा गया है। जिस मामले में बोट का ईयरफोन पहले पीछे रह जाता है उस मामले में बोट यहाँ पर काफी तगड़ा हो चुका है एंड काफी आगे यहाँ पर आ चुका है। देखना होगा कि फ्यूचर में भी बोट का जितना भी प्रो वाला ईयरफोन आ रहा है उसमें भी हमें बीस्ट मोड का सपोर्ट मिल रहा है या फिर नहीं। सो भाई ये ईयरफोन मुझे ओवरऑल बहुत ही तगड़ा लगा है, आप इसको 100% परचेस कर सकते हैं, बेस्ट बैंक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है क्योंकि लास्ट 2 दिन मेरा नाइट ड्यूटी था, और जो नाइट ड्यूटी में हम लोगों को 12 घंटे करके काम करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो शूट करके एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा लेट के कारण। और फ्यूचर में जितना भी ईयरफोन आएगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसके वीडियो को पब्लिश करने का, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।